अस्सलाम भाई प्यारे भाई 2020 के बाद ब्लॉगिंग की दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है जो लोग कहते हैं कि हम आर्टिकल नहीं लिख सकते ये वीडियो उन लोगों के लिए है आप एक क्लिक से एक मुकम्मल आर्टिकल बना सकते हो एंड उस आर्टिकल के अंदर इमेजेस प्लस वीडियोस भी होंगे फुल कंट्रोल आपके हाथों में होगा आप अपनी मर्जी से आर्टिकल बना सकते हो उसके अंदर इमेजेस ऐड कर सकते हो एक क्लिक से आपका आर्टिकल बन जाएगा एंड दूसरे क्लिक से आपका जो आर्टिकल है वो खुद ब खुद आपकी वर्डप्रेस ब्लॉग के अंदर पब्लिश हो जाएगा इस तरह से आप 50 या 100 आर्टिकल्स एक साथ भी ऐड कर सकते हो अपने ब्लॉग के अंदर क्योंकि भाई दो है अब लोग जो है ना स्मार्ट वर्क करते हैं तो भाई आप भी स्मार्ट वर्क कर सकते हो आइडिया आपका होगा एंड जो कंटेंट कंटेंट है वो आपके लिए कोई और लिखेगा ठीक है चलो भाई मैं आपको बताता हूँ कैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टूल का लिंक है या आप डायरेक्ट गूगल में सर्च करो एस सी राइटिंग डॉट ए एक ही क्लिक से आप इस टूल के थ्रू आर्टिकल बना सकते हो 48 लैंग्वेजेस में प्लस आप देख सकते हो आर्टिकल जब आपका रेडी हो जाएगा तो अगेन आप एक ही क्लिक से उस आर्टिकल को अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में पोस्ट कर सकते हो मैं आपको पहले डेमो दिखाता हूं एंड उसके बाद अकाउंट क्रिएशन प्लस सेटअप आपको कैसे करना है पूरा मैं आपको गाइड करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप कर सकते हैं मैं अपने अकाउंट को यहाँ पर लॉग करता हूँ अकाउंट लॉग करने के बाद यहाँ पर ये आपका डैशबोर्ड होगा एंड आप देख सकते हो इस डैशबोर्ड में बहुत सारे टूल्स हैं लेकिन मेन टूल्स वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट बल्क आर्टिकल जनरेशन इस टूल के थ्रू आप एक ही क्लिक में 100 आर्टिकल बना सकते हो एंड इस ह्यूमनाइजर टूल के थ्रू आप आर्टिकल को रीराइट कर सकते हो नाउ इस टूल को वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट टूल को पहले ट्राई करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर क्लिक करो ठीक है क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज लोड हो जाएगा इसमें बहुत सारे ऑप्शन आप देख सकते हो पहले आप यहां पर अपने आर्टिकल का मेन कीवर्ड दो ठीक है तो मैं यहां पर अपने आर्टिकल का जो मेन कीवर्ड है हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग बल्कि आप पूरा आर्टिकल भी यहां पर दे सकते हो मैं यहां पर लिखता हूं हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग इन 2025 मैं लिख देता हूं ठीक है ये मैं लिख देता हूं। उसके बाद टाइटल आता है है ठीक आप यहाँ पे मेन कीवर्ड की जगह पर सिर्फ स्टार्ट ब्लॉगिंग भी लिख सकते हो या अगर आप जनरेट टाइटल के ऊपर क्लिक कर लोगे तो ये आपके लिए एक टाइटल भी यहाँ पे जनरेट कर देगा ये देखो स्टार्ट ब्लॉगिंग इन 2025 अ फाइवर्स गाइड ठीक है थीके? तो इसने टाइटल भी यहाँ पे खुद ही क्रिएट कर दिया अगर आपको टाइटल का आइडिया नहीं आ रहा तो भाई आप सिंपल यहाँ पे उस आर्टिकल का जो आर्टिकल जिस टाइप का आर्टिकल आपको चाहिए जिस टॉपिक पर आपको चाहिए उसको यहाँ पर उसी टॉपिक रिलेटेड एक कीवर्ड वर्ड यहाँ पर आप एंटर करो उसके बाद यहाँ पे आपको ये कोर सेटिंग है तो यहाँ पे भाई आपको किस लैंग्वेज के अंदर चाहिए मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि भाई अड़तालीस लैंग्वेजेस के अंदर आप आर्टिकल जो है लिख सकते हो बहुत सारे लैंग्वेजेस है यहाँ पे आप उनमें से एक लैंग्वेज सेलेक्ट करो नॉर्मली हमें इंग्लिश में ही आर्टिकल हम लिखते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश को मैंने सेलेक्ट कर दिया उसके बाद आर्टिकल साइज क्या होना चाहिए मीडियम है उसके बाद आप लार्ज साइज रख सकते हो ये लार्ज एंड मीडियम स्मॉल का मतलब ये है कि कितने वर्ड्स का आपको आर्टिकल आपको आर्टिकल चाहिए अभी जो मीडियम है मीडियम में आप दो देख सकते हो कि चौबीस सौ से छत्तीस सौ वर्ड्स का आर्टिकल होगा एंड इसके अंदर जो है नौ से बारह एस टू हेडिंग्स होंगे अपने हिसाब से आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो उसके बाद आपका वॉइस होता है इसको आप ऐसे ही इसके ऊपर रख सकते हो फ्रेंडली है या आप अपने हिसाब से उसके बाद ए आई मॉडल यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो मैं नॉर्मली यहाँ पर जो यूज़ करता हूँ ये चैट जी बी टी फोर है टारबो आप इसको यूज़ कर सकते हो या जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर है उसको सेलेक्ट कर सकते हो अच्छा जी ये सिलेक्ट करने के बाद पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकते हो ठीक है जी पूरा यहाँ पे जो है ना कंप्लीट यहाँ पे सेटअप है किस कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हो कुछ लोग जो है माइक्रो निश ब्लॉग पर काम करते हैं उसमें वो एक ही कंट्री को टारगेट करते हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कंट्री को भी टारगेट कर सकते हो अच्छा जी कंट्री टारगेट करने के बाद यहाँ पे मीडिया हब आपका आता है अब स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई पुल कंट्रोल आपके हाथों में होगा आपको कितने इमेजेस चाहिए जैसे ये देखे ए आई इमेजेस के ऊपर आप क्लिक करो इसको यस तो कितने इमेजेस चाहिए मुझे भाई तीन इमेजेस चाहिए एंड इमेजेस का स्टाइल किस टाइप का होना चाहिए आपको कार्टून टाइप का चाहिए या फोटो चाहिए मैं कार्टून के ऊपर क्लिक करता हूँ उसके बाद इमेजेस के साइज हो गए हैं उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब आपको कितने चाहिए

अपने आर्टिकल के अंदर एपेक यूज चाहिए या नहीं मुझे चाहिए भाई मैंने यस के ऊपर लिस्ट आपको चाहिए या नहीं एच थ्री हो गया टेबल्स ये बहुत सारे बोल्ट आपको चाहिए या किस टाइप का चाहिए मुझे बोल्ट चाहिए तो मैंने यस के ऊपर क्लिक कर दिया उसके बाद इंटरनल लिंकिंग आप करना चाहते हैं या नहीं ठीक है तो इंटरनल लिंकिंग यहाँ पर मैं अपने वर्ल्ड प्रेस को सिलेक्ट करता हूँ ये आप ऐड कर सकते हैं कैसे ऐड करोगे ये मैं आपको अभी बता दूंगा ठीक है ये मैंने इंटरनल लिंकिंग भी यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया नंबर आप लिंक्स कितने ऐड करना चाहते हो भाई एक से दो में ऐड करना चाहता हूँ उसके बाद लिंक जो है वो डू फॉलो होगा या नो फॉलो होगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग आप करना चाहते हैं या नहीं तो भाई मैं एक्सटर्नल लिंकिंग अभी के लिए नहीं करना चाहता आप अपने हिसाब से एक्सटर्नल लिंकिंग भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अच्छा जी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कनेक्ट टू वेब यानी कि आप अगर अपने वेबसाइट के साथ किसी वेब के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो या देखिए इसका जो पूरा इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसको रीड करके कनेक्ट कर सकते हो ठीक है जी आउटलाइन एडिटर है इसको स्किप करेंगे स्क्रॉल करेंगे लास्ट में यहाँ पे भाई अगर आप आर्टिकल क्रिएट करने के के बाद डायरेक्ट अपने ऊपर पब्लिश करना चाहते हो तो उसके लिए भाई देखे पब्लिकेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो मैंने अपना अपना जो वेबसाइट है वो यहाँ पे लिंक किया हुआ है आप कैसे लिंक करोगे वो आपको मैं अभी बता दूंगा तो फिर जब भी आप यहाँ पे आर्टिकल क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आएगा मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ डायरेक्ट करना चाहता हूं तो जैसे मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दिया अब मेरे वेबसाइट के जितने भी कैटेगरीज मैंने बनाए थे मैं यहाँ पर आता हूँ मेरे अपने ब्लॉग के अंदर तो यहाँ पे जितने भी कैटेगरीज मैंने बनाए हैं वो सारे कैटेगरीज जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं तो मुझे ये कह रहे हैं कि भाई इस ये आर्टिकल आप किस कैटेगरी के अंदर पब्लिश करना चाहते हो अभी के लिए मैं नॉन करता हूँ बाद में आपको दिखा दूंगा जब ये वाला आर्टिकल मेरा क्रिएट हो जाएगा उसके बाद मैं रन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्यारे भाई कुछ ही देर के अंदर आपका जो आर्टिकल है आप देख सकते हैं ये तीन परसेंट हो गया अब इस तरह से ये आ आर्टिकल जो है वो आपका जनरेट हो रहा है यहाँ पे आपका आर्टिकल हो जाएगा क्रिएट एंड जब आपका आर्टिकल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा प्यारे भाई 2024 हजार है स्मार्ट वर्क करो तो उसके बाद इसको आप एक ही क्लिक में अपने वर्ल्ड प्रेस के अंदर पब्लिश कर सकते हो दूसरा जो बल्क आर्टिकल इनका जनरेटर का ऑप्शन है बल्क आर्टिकल उसमें क्या होगा कि आप जो है अलग अलग आप देखो आप मान के चलो आप माइक्रोनिश ब्लॉग के ऊपर काम कर रहे हो आपका माइक्रोनिश है सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड है तो आप जो है उनको बता दो मुझे ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड इसको बिल्ड ये बिल्डर जो है यहाँ पे रनिंग में है और मैं यहाँ पर बेक आता हूँ जैसे बल्क आर्टिकल पर के ऊपर आप क्लिक करें तो यहां पे कीवर्ड्स आप दो ठीक है वन बाय वन यहाँ पे आप कीवर्ड्स दो देखिए मैं ऐड के ऊपर दो हो गए तीन हो गए चार हो गए आप अलग अलग कीवर्ड्स दो ये भी नहीं है कि आपको सिर्फ जो है आप सिर्फ मैक्रोनिश आर्टिकल्स क्रिएट कर सकते हो भाई आप मल्टीपल अलग अलग मिक्स टॉपिक्स के रिलेटेड भी कर सकते हो अलग अलग की वर्ड यहाँ पे दो ठीक है और इस तरह से भाई ये एक दफा जो आपका टैंपलेट है इसको आप एक ही दफा इसका सेटअप कर दो फिर इसको सेव कर दो तो हर बार आप इसको आपको फिर सेटअप करने की जरूरत नहीं है हर बार ठीक है तो ये इस तरह से आप इसको यहाँ पे सेटअप कर सकते हो एंड अगेन वही सेटअप इसका सिस्टम भी ही है आपके हंड्रेड आर्टिकल जो है वो एक साथ यहां पे क्रिएट हो जाएंगे एंड अब मैं यहां पे वेट करता हूं जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूं आप देख सकते हो आर्टिकल फुल्ली रेडी है इस थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करो इसको आप डिलीट कर सकते हो एडिट कर सकते हो HTML वर्जन डाउनलोड कर सकते हो रिपीट कर सकते हो लेकिन पहले हम इसको व्यू करेंगे तो चलो व्यू करके देख लेते हैं भाई आर्टिकल को छब्बीस सौ वर्ड का आर्टिकल है डायरेक्ट मैं इसको पब्लिश कर सकता हूँ यहाँ से ठीक है स्टार्टिंग में इसके लिए हमें सेटअप करना पड़ेगा एंड भाई ये आर्टिकल है पूरा आर्टिकल जो जो सेटिंग्स मैंने वहां पे सेलेक्ट uh, किए हैं वहीं यहाँ पे आ, वहाँ पे तीन मैंने इमेजेस सेलेक्ट किए थे तो भाई आप देख सकते हो तीन इमेजेस है उसके बाद तीन वीडियोस थे तो भाई ये देखो एक वीडियो आ गया उसके बाद ये दूसरी वीडियो है एंड ये रही तीसरी वीडियो इसके अलावा हमने यहाँ पे लास्ट में जो है ना एपे क्यू भी सेलेक्ट ये देखे एप ए क्यू भी आ गया भाई क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं तो इस तरह से आपका पूरा आर्टिकल बन जाएगा और ये कितने मिनट्स में भाई इंटरनेट मेरा थोड़ा सा डाउन था एक दो मिनट में आपका जो आर्टिकल है वो बन जाता है अब मैं क्या करता हूँ इस पब्लिश के ऊपर करता हूँ क्लिक तो मेरा वेबसाइट यहाँ पे आ गया आप कैसे करोगे मैं बता दूंगा ये मेरी कैटेगरीज है अब ये जो आर्टिकल है ब्लॉगिंग रिलेटेड है तो मैं ब्लॉगिंग को सिलेक्ट करता हूँ उसके बाद भाई आप यहाँ पे टाइटल वही रहेगा मैं इसको मेटा डिस्क्रिप्शन भी इसके अंदर ऐड करता हूँ एंड पब्लिश के ऊपर करता हूँ क्लिक तो अब यही से भाई मुझे वर्ल्ड प्रेस के ऊपर अंदर जाने की जरूरत नहीं है वर्ल्ड प्रेस के डैशबोर्ड में भाई यहाँ से आपका सब कुछ जो है ना हो जाएगा ये टूल सब कुछ कर देगा आर्टिकल भी क्रिएट कर देगा एंड उसको पब्लिश भी कर देगा बस आपको एक क्लिक करना है ठीक है तो ये देखिए मेरा जो आर्टिकल है वो पब्लिश हो गया है व्यू करने के लिए भाई इसके ऊपर क्लिक करो तो मेरा जो वेबसाइट है वो यहाँ पे देखे मेरे वेबसाइट के अंदर अब ये पब्लिश हो चुका है ये आर्टिकल और इसके जो इमेजेस वगैरह है सब कुछ यहाँ पे विडियोज और सब कुछ इम्बेडिंग यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आप देख सकते हो कि आर्टिकल यहाँ पे एड हो गया है ठीक है जी अब आप इसका सेटअप कैसे करोगे इसको कनेक्ट कैसे करोगे अपने वर्ल्ड के साथ तो भाई उसके लिए आपको करना ये है कि आप अपने वर्ल्ड के डैशबोर्ड में जाओ ठीक है डैशबोर्ड में जाने के बाद भाई ये प्लग इन्स का सेक्शन है आप एड न्यू प्लग के ऊपर क्लिक करो यहाँ पर आपको सर्च करना है एंड इस सर्च बार में आप सर्च करो एस राइटिंग एसो राइटिंग सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे एक प्लग मिल जाएगा ये इनका प्लग है ये वाला प्लग इन राइटिंग के नाम से होगा इसको आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दो जब ये वाला प्लग आपका एक्टिवेट हो जाएगा ना तो आपने फिर बेक आना है बेक आने के बाद भाई आपका जो प्लग सेक्शन है यहाँ पर आप वो आर्टिकल देखो ये SEO राइटिंग सेटिंग के ऊपर क्लिक करो सेम टैब में आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करो मेरा अब ये डिस्कनेक्ट आ रहा है जब आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर लोगे तो ये आपको दूसरे टैब के अंदर ले जाएगा एंड वहां भाई आप सैंपल इसको कनेक्ट कर दो तो आपका जो वेबसाइट वर्ल्ड है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ स्क्रोल इंटरनल सेक्शन से भी आप ऐड कर सकते हो ये इंटरनल लिंकिंग सेक्शन है यहाँ पे आप ऐड के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो ये इनका आर्टिकल यहाँ पे आ जाएगा ठीक है आप इसको रीड करके

भाई उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करो तो भैया क्लिक करने के बाद जो है ना आप ये वाला ये इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा मैं आपको दिखाता हूं इसका सेटअप देखे बहुत है इस तरह का पेज आ जाएगा आप यहाँ पे गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करो तो भैया क्लिक करने के बाद साइन अप आपको करना है आप डायरेक्ट गूगल के साथ भी कर सकते हो गूगल के साथ करो या नेम दो अपना ई दो उसके बाद अगेन ई दो तो आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे हो जाएगा क्रिएट मैं साइन इन करता हूँ जब आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा तो भैया मैं आपको दिखाता हूँ ये बिलिंग के सेक्शन में आपको आना है यहाँ पे ठीक है बिलिंग के सेक्शन में आने के बाद आप इस अपग्रेड के ऊपर क्लिक करो यहाँ पे देखें ये इनके प्राइसेस है ठीक है ये प्राइसेस है स्टार्टिंग में जो प्री इनका ये प्री पैकेज है इसमें आप पांच आर्टिकल्स क्रिएट कर सकते हो फ्री में ठीक है और ये एक आर्टिकल जो है वन थाउजेंड वर्ड्स का आप एक क्रिएट कर सकते हो टोटल फाइव थाउजेंड वर्ड्स का जो है ना आप फाइव आर्टिकल्स यहाँ पे बना सकते हो टोटल ये फाइव थाउजेंड वर्ड्स है ठीक है उसके बाद इस टूल को आप यूज़ कर सकते हैं पाँच दफा एंड आगे जो ए आई है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ठीक है ये इन्होंने ये ऑप्शन दी हैं ये लिमिटेड है बट अगर आपको ज़्यादा काम करना है तो ये इनका स्टार्टर पैकेज है ये इसमें आपके पचास आर्टिकल्स आप राइट कर सक

ठीक है एंड जैसे ही आप सब्सक्राइब नाउ के ऊपर क्लिक कर लोगे तो आपका ये वाला पैकेज ऐड हो जाएगा या अगर आपका पेमेंट मैथड डिफरेंट है तो आप इनसे चैट के थ्रू बात कर सकते हो या आपको बता देंगे अगर आपके पास कोई और मैथड इस तरह से ये प्रोफेशनल पैकेज है इसमें दो आर्टिकल्स यानी कि इजिली आप पांच वेबसाइट के अंदर पचास पचास आर्टिकल्स एड कर सकते हो एक मंथ में तो इसमें भी भाई सेम मैथड आप अपग्रेड के ऊपर क्लिक करो एंड आपका हो जाएगा तो इस टूल का यूज़ बहुत इजी है जो लोग आर्टिकल नहीं लिख सकते वो इसको यूज़ कर सकते हैं और एडसेंस अप्रूवल के लिए यूज़ कर सकते हैं आपकी जो आर्टिकल है वो इंडेक्स भी होगी और उसके अंदर भाई ऑटो सेटअप है पूरा ऑटो पोस्टिंग है आप इसको ऑटो पोस्ट भी कर सकते हो इन तीन टूल्स के अलावा जो मजीद यह टूल्स है इनको भी आप ट्राई कर सकते हो अभी के लिए विडनो इतनी थी अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस टूल रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कॉमेंट कर सकते हो ई मेल भी कर सकते हो कोई हेल्प चाहिए या आप पैकेज नहीं ले सकते तो तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ पहले आप इसको मुफ्त में ट्राई करो एंड देन अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको आगे ट्राई करो पालतू में आप लोग ना करें स्टार्टिंग से कुछ लोग जो है वो एक्सपर्ट बन जाते हैं तो पहले आप इसको प्रॉपर यूज़ करो एंड देन आप इसको कर सकते हैं अभी के लिए अपडेट नहीं थी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़